पुलिस विभाग में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर आज 175 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। ये तबादला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षकों का किया गया है। तबादला अफसरों में 59 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 116 पुलिस उप अधीक्षक हैं। कार्मिक विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। खास बात यह है कि लिस्ट में उन अफसरों पर गाज गिरी है जिसकी लगातार शिकायत पुलिस मुख्यालय पहुंच रही थी। आदेशों के तहत उन अफसरों को नॉन फिल्ड किया गया है। तबादला लिस्ट में जयपुर से कई आरपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा बदलाव जयपुर के नॉर्थ जिले में किए गए हैं। जयपुर में आदर्श नगर, मानक चौक, आमेर, चाकसू, सदर, रामगंज, मानसरोवर, यातायात पूर्व पुलिस कंट्रोल रूम और साथ ही अभय कमांड सेंटर, महिला अपराध सेल, एसटीएससी सेल के एसपी को बदला गया है। एसपी संध्या यादव को आदर्श नगर, सौरभ तिवारी को आमेर, संजीव चौधरी को मानसरोवर, नवाब खां को सदर, अशोक चौहान को यातायात पूर्व और सुरेश चंद जांगिड़ को रामगंज, राजवीर सिंह को मानक चौक, राजेंद्र नैन को महिला सेल और साथ ही ये बता दें के अवस्थी को पर्यटन विभाग में एसीपी लगाया गया है। लिस्ट में खास चौंकाने वाले नाम रामगंज एसीपी राजेंद्र नैन का है जिसकी कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी खुद जमकर तारीफ की थी, जिनका रामगंज से तबादला कर नॉन फील्ड महिला सेल में उन्हें लगाया गया है। बड़ा फेरबदल, पुलिस महकमे में दो तबादलों की सूची जारी हुई। 116 आरपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, पुलिस महकमे में ये बड़ा फेरबदल। पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी हुए हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, एक बड़ा फेरबदल ये है, साथ ही 59 एएसपी की तबादला सूची यहां पर जारी की गई है, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए मनीषा, बिल्कुल राजस्थान के पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर हुआ। करीब 175 आरपीएस अफसरों के यहाँ पर तबादले हुए हैं, जिसके अंदर जो 116 हैं, जो आरपीएस हैं वो उसके अंदर एक डिवाइस भी है। इसके अलावा जो 59 है यानी 59 जो है वो एएसपी है जिनके तबादले हुए हैं, क्योंकि लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस महकमे में फेरबदल कब होंगे, तो इसको लेकर के काफी लंबे समय से एक्सरसाइज चल रही थी। यहाँ पर एक मई को ही यहाँ पर ये सूची तैयार कर ली गई थी, जिसमें काफी एक्सरसाइज किया गया था और करीब 7 दिन से जो लिस्ट तैयार की गई थी उस पर एक्सरसाइज चला। जिन अधिकारियों के खिलाफ, जिन अफसरों के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी, उन सभी अफसरों पर गाज गिरी है। और इसके बाद जो अच्छा, जिन्होंने काम किया है कोरोना के समय में, जिन्होंने अच्छा काम करके दिखाया, इसके अलावा जिनकी जो कार्य प्रणाली अच्छी रही है, उनको यहाँ पर उनको प्रमोशन का तोहफा मिला है, इनको उनके चहेते शहर में उनको पोस्टिंग मिली है। जिन अधिकारियों की लगातार शिकायतें आ रही थी, उन सभी अधिकारियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, यानी उनको नॉन फील्ड कर दिया गया है। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो यहाँ पर इस फील्ड में, माफ कीजिएगा, लिस्ट में जो नाम सामने आया वो है राजेंद्र नैन का। चूंकि जो जयपुर शहर कमिश्नरेट का नॉर्थ जिला पड़ता है, वहां पर रामगंज एसीपी लगे गए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे जिन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पर राजेंद्र नैन की यहाँ पर तारीफ की थी। और उन्होंने कहा था कि राजेंद्र नैन ने बहुत अच्छा इस कोरोना के समय में अच्छा काम किया है, लगातार अच्छा काम दिखाया है, उसकी एवज में यहाँ पर उनको डिमोशन हुआ, यानी उनको नॉन फील्ड कर दिया गया और उनको महिला सेल में लगाया है। सबसे ज्यादा जो तबादले हुए हैं वो जयपुर शहर के अंदर हुए हैं, इन 175 जो आरपीएस है उसमें, जिसमें जो रेड जोन में जो लोग जो काम कर रहे थे, जो अफसर काम कर रहे थे, उनका यहाँ पर सबसे ज्यादा तबादला किया गया है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक लंबी लिस्ट यहाँ पर जो जारी हुई है, कार्मिक विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया। आदेश जारी कर दो लिस्टें निकाली है, महज 5 मिनट के अंतराल में दोनों लिस्टें निकाली गई थी। पहली जो लिस्ट थी वो डीवाईएसपी की थी, जिसके अंदर 116 थे, इसके अलावा एएसपी है जो 59 है। मगर अब इसके बाद जो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आईपीएस की लिस्ट आनी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आईपीएस का तबादला होना है, कुछ जिला एसपी को बदला जाना है, लगातार जो शिकायत आ रही थी, अब उनको लेकर के आशंका बन गई है कि वो लिस्ट भी आज शाम तक जारी हो सकती है। कुछ इंस्पेक्टर की लिस्ट भी है वो भी जारी होगी। इस पर फिलहाल काम चल रहा है यहाँ पर और जल्द ही माना जा रहा है कि जो आईपीएस की लिस्ट है वो जारी हो सकती है। बिल्कुल मनीष यादवेंद्र, देखिए जो आईपीएस की लिस्ट जारी होगी, क्या अपडेट मिल पा रही है, कितनी संख्या उसमें होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर आरपीएस और सभी के तबादले किए गए हैं, तो कितनी संख्या वहां पर कोई सूचना मिल पा रही है? देखिए मनीषा, करीब 2 दर्जन से ज्यादा जो आईपीएस है उनका यहाँ पर कार्यकाल पूरा हो चुका है, यानी जो जितना उनका कार्यकाल होता है जिस जिले के अंदर, उस कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो उस समय माना जा रहा है कि करीब 30 से लेकर के 34 आईपीएस ऐसे हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर तैयार कर ली गई है, मगर
उनमें कुछ संशोधन किया जाना है, कुछ से 4 से 5 नाम है, क्योंकि बीते दिनों कुछ पुलिस महकमे में एक बड़ा चेंजेस देखने को मिला था। कई ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिसमें कई आईपीएस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठे थे, तो कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है। तो लेकिन राज्य सरकार जल्द ही इसको लेकर के आदेश जारी करेगी और उसके बाद पता लगेगा की कितने आईपीएस है उनका तबादला किया जाना। मगर इतना जरूर है की बड़े पैमाने पर यहाँ पर, क्योंकि कई वाकई सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर आईपीएस का तबादला किया जाएंगे, कुछ इंस्पेक्टर्स के भी तबादले होने हैं। अब इस जो 175 आरपीएस की लिस्ट आई है, उसके बाद अब आईपीएस की लिस्ट को लेकर के तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो भी इसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल यादविंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पुलिस महकमे में ये बड़ा फेरबदल, और आज शाम तक या फिर शाम से पहले आईपीएस अधिकारियों के तबादले की जो लिस्ट है वो भी आ सकती है। आज पुलिस महकमे में 2 तबादले की सूची यहां पर जारी हुई, बड़ा फेरबदल देखा गया। 116 आरपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, पुलिस मुख्यालय से जो आदेश हैं वो जारी हुए।